थाना नाल्डी के क्षेत्र नगला बीच निवासी दयाशंकर गुप्ता उर्फ डीके भाजपा में मंडल उपाध्यक्ष नारकी मंडल के पद पर सक्रिय थे। वे रात जब अपनी दुकान बनकर घर जा रहे थे तभी मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने उनको गोली मार दी, जिन्हें आनंद फानन में गंभीर हालत में परिवारजन आगरा ले गए लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। उक्त जानकारी घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी सचिंद्र पटेल ने दी है। साथ ही बताया कि घटना को लेकर परिजनों ने कुछ लोगों के नाम भी बताए हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। उनके साथ ही मौके पर एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, सीओ सिटी सहित कई थानों के फोर्स भी पहुंच गए। बताया जाता है कि भाजपा जिलाध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह, सांसद चंद्रसेन जादौन, नगर विधायक मनीष असीजा सहित कई भाजपा नेता भी मौके पर पहुंच गए हैं। एसपी सिटी मुकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई स्थिति नहीं है, बाकी आक्रोशित लोगों से बात की जा रही है। ये नारकी थाने की नगला बीच चौकी है जहां पे ये मुकेश गुप्ता जी हैं जो कि अपनी शॉप को बंद करके जा रहे थे, तो उसी में मोटरसाइकिल सवार तीन व्यक्ति और उन्होंने इनको गोली मार दी। इनको तत्काल यहाँ से परिवारजनों के द्वारा आगरा ले जाया गया लेकिन उनकी जो है वहाँ पे डेथ हो गई। परिवारजनों के द्वारा इसमें कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं जिससे उन्होंने रंजिश और अन्य विवाद की बात बताई है। उस पर हमारी टीमें काम कर रही हैं और उनकी जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।